हनुमंत कथा के आखिरी दौर में तैयारी है, क्योंकि महज कुछ घंटों के बाद बागेश्वर धाम सरकार पहुंच जाएंगे तरेतपाली मठ, और हम भी पहुंचे हुए हैं, और पंडाल बनने का जो आखिरी दौर है वो चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग पंडाल है, मुख्य पंडाल से अलग जो अन्य पंडाल है वो बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। और देखिए, यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनके रुकने के लिए जो बंदोबस्त किया गया है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो अत्याधुनिक जो शौचालय की व्यवस्था की गई है वो अब फाइनल स्टेज में है। यहाँ एक जो बड़ा सा पंडाल बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है और किसके लिए बन रहा है भी समझते हैं। जो लोग यहाँ बनाने वाले हैं इनसे बातचीत करेंगे। और आखिरी दौर में सर यहाँ क्या बन रहा है, ये पंडाल, यहाँ पे पंडाल जो बन रहा है किस लिए बन रहा है? ये जो है, जो आएंगे कल कथा में श्रद्धालु लोग जो आएंगे उन लोगों को ठहरने के लिए पूरा हाईटेक टाइप का बन रहा है, एयर कंडीशन, यानी कि हाँ बिल्कुल, इसमें जो है पंखा रहेगा और ये कूलर रहेंगे, यानी कि पूरा सारा इसके रहने का, खाने का व्यवस्था, नहाने वहाने का, यानी कि शौचालय वगैरह सारा चीज़ जो है फ्री रहे, कोई शुल्क नहीं है। जो नाइट स्टे करना चाहेंगे उनके लिए बिल्कुल ये एकदम अवेलेबल रहेगा। जी जी जी, कितने लोगों की व्यवस्था होगी यहाँ? ऐसे जो मान लीजिए इसमें 15,000-20,000 आदमी स्टे करेंगे। अच्छा, मेल बन ही रहा है और उधर भी बन रहा है, मेल फीमेल दोनों के लिए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आप लोग जो शौचालय बना रहे हैं, ये जो सामने, ये आधुनिक है? जी जी, डब्बा वाला जो है? जी बिल्कुल, सबका जो वेस्ट जो है अलग जो है कचरा में डायथी में जाएगा, अलग दिखाएगा बिल्कुल। अच्छा, नहाने के लिए फिर आप लोग इसी तरीके से कुछ बना रहे हैं? स्नान करने के लिए? हाँ, स्नान करने के लिए भी है इस तरीके। अच्छा, कितना ये शौचालय के लिए आप लोगों ने ये बॉक्स मंगाया है और कितने लोगों की तैयारी है ये यानी कि देखिए बॉस, यहाँ पे कितना है जी, 200 करीब ऊपर है, 200-300 से ऊपर है, 300 एक पंडाल में 300। हाँ हाँ हाँ, पूरा यानी कि, और ये और वहाँ पे जो है वो जो पंडाल अभी तक बन गए हैं 3,00,000 स्क्वायर फीट से अबव है, सब हाईटेक टाइप का पंडाल बना है। जी हाँ हाँ बिल्कुल, 3,00,000 स्क्वायर फीट अपने पंडाल में। जी जी जी। अच्छा, वैसे गिनती करें तो 1, 2, 3 वो बड़े वाले पंडाल भी चल जाइए, यहाँ भी है, उसके बाद छोटा पकौड़ा भी है, यानी कि ये सबसे बड़ा जो है धार्मिक संगठन का सबसे बड़ा आयोजन बिहार में होने वाला है, और वो महावीर हनुमान जी का, बस हनुमंत कथा, हनुमंत कथा बिल्कुल। तो ये देखिए पंडाल आखिरी स्टेज में है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। हालांकि इस तरीके का कार्यक्रम अमूमन इस तरह का पंडाल आपको गांधी मैदान में दिखता था या फिर प्रधानमंत्री की रैलियों में दिखता था? भी बहुत भव्य स्तर पे है बॉस, गांधी मैदान में भी इस टाइप की व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है, गांधी मैदान से बहुत बड़ा, यानी कि 3-4 गांधी मैदान का इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 3-4 गांधी मैदान बिल्कुल, लंबे पंडाल है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में इस तरीके का जो टेंट आप देख सकते थे, आधुनिक टेंट, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, टेंट का क्या नाम है? जर्मन पंडाल। अच्छा, ये जर्मन पंडाल है। तो ये जर्मन पंडाल है, और देखिए इस जर्मन पंडाल में किस तरीके से जो पर्दे हैं वो लग रहे हैं, कारीगर यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं, और एक एक जो है व्यवस्था पर पैनी निगाह है हनुमंत कथा आयोजन समिति के लोगों का है, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। और देखिए शौचालय की व्यवस्था, फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, तो काम वक्त अब कम रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी तमाम काम वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद यहाँ पे श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और हम आपको बता रहे थे कि जो जर्मन पंडाल में रुकने वाले लोगों के लिए जो मुख्य व्यवस्था है शौचालय की, पानी की, स्नान करने की, उसकी हम चर्चा करें। तो ये देखिए किस तरीके से ये तमाम जो शौचालय हैं वो लगेंगे, जो अत्याधुनिक है, रेडीमेड है, और इनके जो वेस्टेज होगा वो आपको अलग यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो ये गड्ढे कर दिए गए हैं और वेस्ट जो होगा उसमें निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बेहतर व्यवस्था आपको दिखेगी। और हनुमंत कथा में शामिल होने आने वाले तमाम जो श्रद्धालु होंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही वजह है कि ये देखिए जहाँ निगाह है वहाँ तैयारी, जहाँ तक आपकी नज़रें दौड़ेंगी बस तैयारी ही तैयारी दिखेंगी। तो जर्मन पंडाल हो या फिर व्यवस्था, बिहार में इससे बड़ा आयोजन अब से पहले नहीं दिखा था। और देखिए किस तरीके से ये स्नान करने के लिए साथ साथ जो अन्य टेंट है वो भी लगा रहे हैं, पानी के लिए पुख्ता बंदोबस्त है, तकरीबन 10,000-15,000 लोग एट ए टाइम स्टे कर सकते हैं। देखिए ये पहले से सब फिक्स है,
और ये तमाम यूरिनल वगैरह लगा लिए जाएंगे, कवर्ड वगैरह बैठा दिए जाएंगे, बेसिंग वगैरह बैठा दिए जाएंगे और ये तमाम चीज़ें लगेंगी। तो जाहिर सी बात है पानी के लिए बड़े बड़े टैंकर भी लगे हुए हैं और तरेतपाली मठ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं अंतिम दौर में हैं। और मुख्य पंडाल के पास भी हम चलेंगे और फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि कैसे आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था है, रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था है और तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के लिए जो जर्मन पंडाल है वो तैयार हो रहा है। तो आखिरी दौर में है, हमने रास्ता दिखाया आपको कि कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। 8 रास्ते हैं यहाँ तक आने के लिए, मुख्य मार्ग पर भी चलेंगे और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। छटकाइए मां।